संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर बवाल मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जोरदार तीर चल रहे हैं और बीजेपी की महिला विंग ने खूब हंगामा किया है। लेकिन इस बीच बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी खूब उछला। संसद में हंगामा कांग्रेस के राहुल गांधी को लेकर हुआ था, मगर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी लपेटे में आ गए। यूनियन WCD मिनिस्टर को कुछ बातों पे बड़ा गुस्सा आता है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जहाँ बैठती है संसद में, उससे दो रो पीछे एक आदमी बैठता है जिसका नाम है बृजभूषण सिंह। उस आदमी ने देश के ओलंपिक रेसलर्स के साथ यौन शोषण किया। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी अपने संबोधन के बाद बैठे ही थे कि जोरदार हंगामा हुआ। उसी वक्त स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का जश्न करने को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद तो प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद ने इसे राहुल की नादानी बता दिया, तो विपक्ष के सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी को राहुल के हाथ हिलाने तक से परेशानी है। कोई बच्चा पैदा होता है 2-3 साल में बोलना, चलना, उठना, बैठना सब सीख जाता है। राहुल गांधी जी को जिंदगी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी कई चीजें अभी उन्हें सीखना बाकी है। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता है, अगर वो हाथ भी हिलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपत्ति होगी। अब जहां एक तरफ राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर बवाल है, तो इसमें एंट्री हो गई है बृजभूषण शरण सिंह की भी। दरअसल इस विवाद में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी कूद गयी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों को हवा में फेंकी हुई फ्लाइंग किस से इतनी आग लग गई, लेकिन दो पंक्ति पीछे बैठा आदमी जो कि बृजभूषण शरण सिंह है, बीजेपी सांसद है, जिस पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है, उसके बारे में क्यों कुछ नहीं कहा जाता। हम ये देख रहे हैं कि यूनियन WCD मिनिस्टर को कुछ बातों पे बड़ा गुस्सा आता है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जहाँ बैठती है संसद में, उससे दो रो पीछे एक आदमी बैठता है जिसका नाम है बृजभूषण सिंह। उस आदमी ने देश के ओलंपिक रेसलर्स के साथ यौन शोषण किया है, उनकी कमर पे जबरन हाथ रखा है, छाती पे हाथ रखा है, पर इस बात पे तो यूनियन WCD मिनिस्टर को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। देखिए, पार्लियामेंट में क्या हुआ इसकी जांच तो संसद में होगी, पर सवाल ये है कि कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जब देश की बेटियों का सवाल उठता है तब उनका गुस्सा बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। बता दें कि संसद सदस्यता बहाल होने के बाद लोकसभा में पहली बार राहुल गांधी बोलने पहुंचे थे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के वक्त संसद में उन्होंने फ्लाइंग किस दिया। राहुल के इस एक्शन पर विरोध जताते हुए 22 भाजपा महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे अभद्रता की संज्ञा करार दे दिया। एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट।